हे हाय गाइस, फिल्म फ्यूर में आपका स्वागत है। दोस्तों, पुष्पा पुष्पा पुष्पराज, ये जो नाम है हर तरफ गूंज रहा है, तहलका मचा रहा है, हर तरफ तबाही हो रही है। इनफैक्ट इसका क्रेज़ इतना ज़्यादा है कि कई जगह पर कुछ लोगों की जानें भी जा चुकी है और इसके लिए बेहद दुख है। लेकिन मैं कहूँगा कि ये जो फिल्म है एक हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर रैम्पेज की तरह चल रही है। जी हाँ, पुष्पा 3 रैम्पेज अभी रिलीज़ होना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही पुष्पा 2 ने वो जो चिंगारी लगाई है और चिंगारी के साथ जो धमाका हुआ है वो अभी पुष्पा 2 के दौरान ही चल रहा है बॉक्स ऑफिस पर। आपको बता दूं दोस्तों, ओपनिंग डे के दौरान इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 294 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और इसी के साथ ऑल टाइम बिगेस्ट ओपनर बन चुकी है पुष्पा, पुष्पराज, पुष्पा 2 द रूल। जी हाँ, एक इंडियन फिल्म जिसने तहलका मचा दिया है हर तरफ। 12,500 स्क्रीन के आसपास इस फिल्म को रिलीज़ किया वर्ल्ड वाइड और आपको बता दूं इस फिल्म ने 294 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है। और वहीं अगर हिंदी की बात करूं तो दोस्तों, इस फिल्म ने 72 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। यानी इसी के साथ इस फिल्म ने जो ऑल टाइम हाइस्ट बिगेस्ट ओपनर का जो रिकॉर्ड बनाया था जवान ने पिछले ही साल, उसके रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया है पुष्पा 2 ने। जवान ने पिछले साल 65.50 करोड़ का कलेक्शन किया था नेट इंडिया में। वहीं अगर पुष्पा 2 की अगर मैं बात करूं तो इस फिल्म ने 72 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है इंडिया में। वहीं अगर तेलुगु की मैं बात करूं तो इस फिल्म ने अराउंड 80 से लेकर 81 करोड़ का आसपास का कलेक्शन किया है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो इस फिल्म ने इंडिया नेट में टोटल इस फिल्म ने कलेक्शन जो किया है वो है अराउंड 177 करोड़। जी हाँ, 177 करोड़, इंक्लूडिंग जो पेड शोज लगाए गए थे 4 तारीख को, उसके भी कलेक्शन को अगर मिला दिया जाए तो 177 करोड़ नेट कलेक्शन इस फिल्म ने किया है। यानी कि नेट कलेक्शन के हिसाब से, डोमेस्टिक कलेक्शन के हिसाब से भी देखा जाए तो पुष्पा 2 ने सारे के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। इतना कलेक्शन है ना, किसी फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन भी नहीं होता जितना इस फिल्म ने ओपनिंग डे के दौरान कलेक्शन किया है। 177 करोड़ वर्ल्ड वाइड, 294 करोड़, यानी कि ओवरसीज कलेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 115 से लेकर 120 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन वहाँ पर कर लिया है। ठीक है, तो ओवरऑल मैं मोटा मोटी कलेक्शन बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन प्रोड्यूसर्स फिगर जो है 294 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो ये जो कलेक्शन है बहुत ही ज़्यादा है, ह्यूमंगस है। 12,500 स्क्रीन में रिलीज़ हुई, ऑफकोर्स इतने सारे स्क्रीन में रिलीज़ हो रही है फिल्म तो ऑब्वियसली पिक्चर तो अच्छा खासा कलेक्शन करेगी। नॉन हॉलीडे में ये फिल्म रिलीज़ हुई है तो नॉन हॉलीडे में जो फिल्म रिलीज़ होती है और इतना ज़्यादा कलेक्शन करती है उसके हिसाब से भी इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फेस्टिवल में अगर ये फिल्म आती तो यार और भी ज़्यादा तहलका मच जाता। ठीक है, कहीं पे भी जाओ, किसी भी थिएटर में जाओ, ज़्यादातर किसी फिल्म को अगर स्क्रीन मिली है वो है पुष्पा 2, और उसके बावजूद टिकट्स जो है आपके मन मुताबिक नहीं मिल रहे हैं। जी हाँ, ऐसी हालत हो चुकी है पुष्पा की। और अभी तो वीकेंड आना बाकी है, आज तो फ्राइडे था, पहले दिन नॉन हॉलीडे को जब रिलीज़ हुई थी फिल्म तो आपको बता दूं हर तरफ तहलका मचा हुआ था और मैंने अपना रिव्यू ओपिनियन भी दे दिया था। और उसके बाद तो आपने देखा किस हिसाब से रैम्पेज क्रिएट हुआ। उसके बाद आज है फ्राइडे, आज भी अंबेडकर जी को लेकर पुण्यतिथि वगैरह मनाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद देखा जाए तो कई जगह पर ऑफिसेस चालू है। लेकिन आपको बता दूं लोग वेट कर रहे हैं कब अपने काम से निकलेंगे और इवनिंग के वक्त इस फिल्म को देखने जाएंगे। और आपको बता दूं हर तरफ आप देखोगे इवनिंग शोज़ फास्ट फिलिंग में चल रहे हैं, अच्छी ऑक्यूपेंसी में चल रही है और हाउसफुल जा रही है। इस वक्त मैं हूँ मुंबई के आइकॉनिक मराठा मंदिर थिएटर में। कल की अगर मैं बात करूँ, पहला शो अराउंड 80% की ऑक्यूपेंसी के साथ गया, लेकिन लास्ट के दोनों शो यहाँ पर हाउसफुल गए। आज भी पहला शो जो है अराउंड 60% ऑक्यूपेंसी के साथ गया, लेकिन उसके बाद सेकेंड शो जो था हाउसफुल, थर्ड शो तो पूरी तरह से हाउसफुल। डीडी गैलेक्सी में भी धमाल हो रहा है एक हिसाब से। पहले दिन 18 शो चले थे लेकिन सेकेंड डे 9 शोज में चल रहे थे, और क्योंकि टिकट रेट्स बहुत कम है वहाँ पे तो वहाँ पर भी एकदम खतरनाक तरीके से तबाही चल रही है। कहीं पर भी जाओ तबाही तो चल ही रही है, चाहे वो नॉर्दर्न इंडिया हो, सदर्न इंडिया हो या फिर वर्ल्ड वाइड हो। तो इस फिल्म ने दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हाँ, एक बात आप मान सकते हैं कि जिस हिसाब से इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन हुआ है उसमें एक बड़ा फैक्टर, बड़ा रोल जो है वो है टिकट प्राइस को लेकर। टिकट प्राइस का जो दाम जो है वो बढ़ा गया है, तो इस हिसाब से कलेक्शन में भी बढ़ोतरी देखी गई है, ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन फुटफॉल के मामले में भी अगर देखा जाए तो खतरनाक तरीके से फुटफॉल्स हुए हैं। मैं
BMS का डेटा चेक कर रहा था, जिस हिसाब से BMS में टिकट बुकिंग वगैरह हुई है उस हिसाब से बताया जा रहा था कि अराउंड 6 मिलियन टिकट्स बुक हुए हैं। जी हाँ, 6 मिलियन सिर्फ ऑनलाइन टिकट बुक्स हुए हैं अगर पहले दिन के हिसाब से देखा जाए तो। तो यार ख़तरनाक तरीके से ये फिल्म चल रही है और सारे के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है और हर तरफ एक अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी में ये फिल्म चल रही है। वहीं अगर तेलुगु स्टेट्स की मैं बात करूँ तो यार 85% से ज़्यादा का ऑक्यूपेंसी चल रहा था, 85-90% की आसपास की ऑक्यूपेंसी चल रही थी, ठीक है। और हिंदी सर्किट की बात करूँ तो यहाँ पर भी अराउंड 70% के आसपास तो ऑक्यूपेंसी चल ही रही थी। तो ओवरऑल तो यार अच्छा खासा ये जो है ऑक्यूपेंसी के साथ ये फिल्म चल रही है और कलेक्शन भी कर रही है, बहुत अच्छी बात है। आज थोड़ा सा कूल डाउन देखा जा सकता है लेकिन कलेक्शन में कोई कमी नहीं हो रही है, यहाँ पर भी एक सस्टेनेबल तरीके से कलेक्शन हो रही है। और आपको बता दूँ कोई भी तेलुगू या सदर्न इंडिया की फिल्म रिलीज़ होती तो पहले दिन बहुत अच्छा कलेक्शन करती है, दूसरे दिन ड्रॉप देखा जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कोई ज़्यादा ड्रॉप नहीं देखा जा रहा है क्योंकि जो भूख है बहुत ही ज़्यादा है, जो वॉल्यूम है बहुत ही ज़्यादा है। पहले दिन इतनी ज़्यादा वॉल्यूम थी जिसकी वजह से काफ़ी लोगों ने मिस कर दिया तो सेकेंड डे देखने जा रहे हैं, और वीकेंड में तो यार ऑलरेडी सारे के सारे टिकट्स बुक है। तो जिस हिसाब से कलेक्शन हो रहा है अभी तो यार मैं कहूँगा कि एक हफ्ता तक तो इस फिल्म को आप कहीं पर भी रोक नहीं सकते हो, सस्टेन तरीके से ये जो फिल्म है बॉक्स ऑफिस पर चलने वाली है। और हिंदी सर्किट की अगर मैं बात करूँ तो इस फिल्म ने ऑलरेडी मोमेंटम पकड़ लिया है और बहुत ही सस्टेन तरीके से यहाँ पे कलेक्शन होगी, ज़्यादा कोई कमी नहीं देखी जाएगी, उल्टा सस्टेन तरीके से कलेक्शन होगी और बढ़ोतरी ही देखी जाएगी हिंदी सर्किट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है। तो यार ओवरऑल जिस हिसाब से ये कलेक्शन हो रहा है लाजवाब है, 72 करोड़ इंडिया में, तेलुगु में अगर बात की जाए तो 80 से लेकर 81 करोड़ का कलेक्शन, वर्ल्ड वाइड प्रोड्यूसर्स फिगर के हिसाब से देखा जाए तो 294 करोड़ का कलेक्शन, विच इज़ ह्यूज, ह्यूमंगस, अमेजिंग सिर्फ एक दिन में। अभी तो यार लोग तो बोल रहे हैं यार कम से कम 6 हफ्ते तक ये फिल्म चलेगी आराम से, 6 हफ्ते तक। अभी और भी फिल्में रिलीज़ होंगी, ठीक है, वनवास रिलीज़ होगी, बेबी जॉन रिलीज़ होगी, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये स्क्रीन से हटने वाली है और एग्जीबिटर्स इस फिल्म को अपने थिएटर से हटाने वाले हैं। तो इसका तहलका जो है हर तरफ है और चलने ही वाला है और चलता ही रहेगा। पुष्पा पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं साला, मैं रुकेगा नहीं साला, अब तो ये वाइल्ड फायर बन चुके हैं और रैम्पेज भी होना बाकी है। सो गाइस ये है मेरा ओपिनियन रिएक्शन अबाउट द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ पुष्पा 2, 294 करोड़। क्या कहेंगे जिस हिसाब से इस फिल्म ने कलेक्शन किया है वर्ल्ड वाइड, ज़रूर लिखे हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहे आपको अपना चैनल फिल्मी फीवर, दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ, थैंक यू, बाय बाय।